यार चेहरे की कोई बात नहीं, बिहार में माननीय नीतीश कुमार के कार्यों का और एनडीए के सभी घटक दल के लीडरों का जो सामूहिक कैंपेन है, जो काम है और जो विकास है, इन सारे मुद्दों को ही जनता लायक कर रही है। और बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से अमन चैन सद्भाव के साथ विकास देखा है, उसको वो कभी खोना नहीं चाहेगी। इसलिए एनडीए पूरी ताकत के साथ 40 में 40 सीट जीतने की तरफ एग्रेसिव है और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत होगी। जिस तरीके से महागठबंधन आप पर आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, यदि नीतीश कुमार का फेस आगे किया जाए तो क्या ये देश के चुनाव में सभी के चेहरे कारगर होते हैं और बिहार में नीतीश कुमार की जो छवि है वो सिर्फ बिहारी में नहीं पूरी दुनिया स्तर और देश स्तर पर है। और इस चेहरे पर कोई दाग लगाने का प्रयास करेगा तो जनता खुद उसको दाग लगा देगी। ये कार्यों का, ये विकास का, ये इंसाफ का, ये जस्टिस का चेहरा है जो पूरे देश में एकलौता और अकेला है। इस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन चाचा जी की हालत हम देखते हैं, पहले अपने चेहरे पे मांगते थे, अब जो स्थिति आ गई है उनकी कि पुलवामा अटैक पे मांग रहे हैं, भारतीय सेना पे मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखते जाइए क्या क्या वो लोग आपस में बोलेंगे, उसकी तो होना स्वाभाविक है उन लोगों में। और इसकी चर्चा हम लोग बहुत पहले करते थे कि इन लोगों में बन नहीं रहा, उन लोग कहें कि सब एनडीए में ठीक है, सब एनडीए में महान गड़बड़ है, उससे बात सामने आ रही है, एक दूसरे के विरोधी बात कर रहे हैं। और ये तब आ रहा है जब अब मालूम हो गया इन लोगों को कि एनडीए अब गया, तो आपस में लड़ाई होने